तो एक बात ये कि इमाम मूसा काज़िम अलैहि सलाम बाबुल हवाइज, एक और चीज़ वो ये कि अगर किसी को बीमारी हो, ये खुदा तूल उम्र दे, हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा शेख हुसैन वहीद खुरासानी अदामल्लाह ज़िल्लहू कि वो कहते हैं किसी को अगर कोई तबीयत ख़राब है, बीमारी है, अब ये अमल बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि पहले दिन वो 70 दफ़ा दाया हाथ रख के अपने दिल पर या सर पर 70 दफ़ा अलहम पढ़े, दूसरे दिन से 7 दफ़ा इसके बीच में गुफ्तगू ना करें, और मन्नत माने कि जब मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी तो मैं 4 कुरान या खुद पढ़ूंगा या किसी को पैसे देकर पढ़वाऊंगा, 2 मैं खुद पढ़ूंगा, 2 किसी और से पढ़वाऊंगा, वो जो भी उसकी मन्नत है, पहला कुरान जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करूंगा, दूसरा किसको, हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को, तीसरा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को, चौथा जनाब नफीसा खातून, इन सब हस्तियों को सलामुल्लाह अलैहिम इनको हदिया करूंगा, 4 कुरान पढ़कर इनको बख्शूंगा, हदिया करूंगा, माजरत कि जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये इमाम मूसा काज़िम,